हमारा झंडा और देख करके बड़ा जनता खुश हो रही है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा। जब तक मान्या बहन जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे तब तक हम साइकिल से चलने का हमारा कार्य 24 तक ऐसे ही चलते रहते। एक जात से सरकार नहीं बनती और एक आदमी से घर नहीं चलता है, वो खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए हैं और बहुजन समाज पार्टी दिन पर दिन बढ़ रही है और दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। लेकिन बहुजन समाज पे कहीं भी उत्पीड़न होता चंद्रशेखर तो वहाँ पहुँचते हैं। ये चंद्रशेखर पहुंचते नहीं, चंद्रशेखर पहुंचाया जाता हमारा समाज को तोड़ने के लिए। आज लड़की भाजपा की गुणगा रही और स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ अछूत की गुणगाते हैं। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का एक कस्बा है, तहसील है बिलकराम, यहाँ पर मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं हमारे बीएसपी की ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं 2024 को लेकर और आने वाले इलेक्शनों को लेकर। ऐसे में तमाम बीएसपी के कार्यकर्ता हैं और आपने अभी एक साइकिल सवार को देखा होगा, वो साइकिल सवार जो लगातार मिशन और मूवमेंट की बातें करते हैं। ऐसे में सर्वेश कुमार वर्मा जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और लगातार मैं आपको बार बार कहता हूँ बीएसपी पार्टी नहीं है, बीएसपी मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसे बहुजन समाज के तमाम लोग लगातार कर रहे हैं। और ऐसा ही मिशन जो है सर्वेश कुमार वर्मा जी जो है लग कर रहे हैं। वे साइकिल पर निकलते हैं सुबह सुबह और बीएसपी का प्रचार करते हैं और अपने परिवार को भी चलाते हैं। क्या है वो, कब से शुरुआत की और आखिर साइकिल से ही क्यों? क्योंकि देश आधुनिकता की तरफ चल रहा है और उस आधुनिकता के साथ साथ लोग गाड़ी बाइकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये साइकिल, ये वही साइकिल है जिसको मान्यवर काशीराम जी ने जिसकी शुरुआत की थी 1 रुपए से, और ये वही साइकिल है और इसी साइकिल से बीएसपी का मिशन चला था। बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी इस प्रदेश की, जिसको मनुवादी लोग आर्यव्रत कहते हैं, इसी आर्यव्रत की मुख्यमंत्री बहन जी कई बार बन चुकी हैं। और इस बार बहुजन समाज का प्लान है कि बहन जी को दिल्ली तक पहुंचाया जाए। आखिर क्या प्लान है, और सर्वेश वर्मा जी से ज़रूर बात करेंगे, वो लगातार बीएसपी को एक मिशन मूवमेंट को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। जी सर्वेश जी, कब से शुरुआत है ये आपकी? 2020 से हम चल रहे हैं जी। जब ये लॉकडाउन पहले लगा था तब हमने साइकिल बनाई, साइकिल बना करके मैं उत्तर प्रदेश में दौड़ा करने लगा था। उत्तर प्रदेश में पूरा घूम करके लोग, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव हो गया है, चुनाव हो जाने के बाद में फिर मैं निकल गया हूँ पंजाब को, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तीन प्रांत में घूम करके आया। जब दिल्ली में था मैं, आजमगढ़ का उपचुनाव था, आजमगढ़ से मुझे फ़ोन आया, सर्वेश भाई कहाँ आए आप, सर आपकी आपको बहुत ज़रूरत है आजमगढ़ में। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, दिल्ली से मैं चल दिया आजमगढ़ के लिए। मैं 10वें दिन आजमगढ़ में साइकिल से पहुँचा हूँ। अब हमको जो है महाराष्ट्र से फ़ोन आया है, अब मुझे महाराष्ट्र जाना है। साइकिल से जाएंगे? साइकिल से जाएंगे, नागपुर बाबा साहेब के स्मारक स्थल पे जाएंगे, स्मारक स्थल जो पूरा महाराष्ट्र घूम करके फिर बॉम्बे होते हुए राजस्थान में समय देंगे। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद में मैं उत्तर प्रदेश में आकर के अपने जिले में गाँव गाँव घर घर जाने के पूरे जिले में काम करूँगा। कितना समर्थन मिल रहा है ये जो आपकी साइकिल यात्रा है? समर्थन हमको बहुत मिल रहा है, जनता हमसे बड़ा खुश हो रही है। क्या लग रहा है बीएसपी को? लगातार लोगों का मनोबल भी टूट रहा है, जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं वो देखते हैं कि उस तरीके से जो है बीएसपी नहीं निकल पा रही है जिस तरीके से उसे निकलना चाहिए। एक आग जो है ना बहुजन समाज के लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने बाहुबली का, वो बाहुबली जो लखनऊ में है उस बाहुबली का इंतज़ार कर रही है, इंतज़ार कर रहा है पूरा समाज। क्या कहेंगे मानवर से? ये तो मानवर साहब ने हमसे कहा था 20/1/96 को, मानवर साहब हमारे साथ में दिल्ली में 6 घंटा बैठे हैं साहब, एक आंदोलन में साहब के साथ में भाग लिया था, उसमें ये नाक टूटी, हाथ टूटा, ये पैर गंभीर रूप से घायल हुआ, मानवर साहब के द्वारा मानिया बहन जी ने मेरा इलाज भी कराया है और मानवर साहब के रास्ते पर हमारा चलने के कार्य है ये। जब तक मानिया बहन जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे तब तक हम साइकिल से चलने का हमारा कार्य 24 तक ऐसे ही चलते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी माया। तो कैसे ये जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्वे जी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे आप काशीराम जी से कैसे मिले, कैसे शुरुआत हुई थोड़ा सा बताएं? 16 दिसंबर 1995 को साधारण रैली का आयोजन किया था, उससे हमारी रैली से मानवर साहब से हमारी मुलाकात हुई है और उसी आंदोलन में मैंने भाग लिया था। आंदोलन में जब आंदोलन में होता मारो मार खाओ, तब आंदोलन में मैं घायल हुआ था, मानवर साहब के द्वारा मेरे बहन जी ने इलाज भी कराया है और बहन जी ने यह भी कह दिया था जब सरकार सर्वेश बन जाए तब मिलना आकर के। तब से लोगों ने नहीं मिलने दिया, तो मिलने के हमको इच्छुक नहीं, हमको मानवर साहब बहन जी से मिले नहीं अभी तक। नहीं, बहन जी ने इलाज कराया तब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है और हमारा जो मिशन है ये बाबा साहब मानवा साहब जो सपना अधूरा है ये बहुजन समाज पार्टी ही पूरा करेगी। इसके लिए हम तन मन धन से मैं अपने लगे हुए हैं और सबको जोड़ने प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय बहुजन समाज 24 जो है बहुजन समाज पार्टी का ही होगा। अच्छा, कितने किलोमीटर अभी तक ये साइकिल चला चुके हैं आप? अगर लंबी सफ़र है तो 100 किलोमीटर तक हम चल जाते हैं और अगर छोटा सफ़र है तो जो है
इसे अपने हिसाब से चलते हैं, 100 किलोमीटर तो हमारा नॉर्मल रोज का है। हाँ रोज का है। देखिए राहुल गांधी जो थे वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और 30 से 40 किलोमीटर रोज चल रहे थे और बादाम दूध खा खा के चल रहे थे। आप देखिए बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज के वो शेर हैं जो लगातार 100 किलोमीटर तक साइकिल चला रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को जो लोग घर में बैठे हुए हैं अभी भी उन तमाम पार्टियों को वोट दे रहे हैं, उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम शुरू से कहते हैं एक जात से सरकार नहीं बनती और एक आदमी से घर नहीं चलता है। इसके लिए सबको अगर देश के संविधान को बचाना है इसके लिए सबको एक साथ में आना, एक मंच पे आना पड़ेगा, एक नीले झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जब नीले झंडे के नीचे सब लोग आ जाएंगे, बाबा साहब मरते दम तक यही कह के गए, दो उंगली उठाए बाबा साहब हैं, ऐसे संविधान पकड़े हैं, तो बाबा साहब यही कह के मैंने लिख दिया इस संविधान में एक एक वोट डाल करके लोकसभा पे कब्जा कर लो, अपना हक ले लो सब बराबर का। ये तो मानवत साहब ने भी कहा था सर्वेश, जैसे सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में 4.5 महीना सरकार मिलकर के बनाई है, ऐसे यहाँ दिल्ली में एक बार एक दिन के लिए बना लो सरकार, किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सपना बाबा साहब को मानवत साहब का यही सपना पूरा करने के लिए लगे हुए। तो सपना अधूरा क्यों रह गया सर्वेश जी? अभी तक आप जैसे तमाम कार्यकर्ता हैं, पूरा बहुजन समाज तैयार है, सबको पता है 1585 की लड़ाई है, उसके बाद भी ये सपना फिर अधूरा क्यों रहता? अब ये तो अधूरा का, ये तो जब ईवीएम का सब खेल है, ये भी ईवीएम का भी खेल है। ये तो मैं देखता हूँ जब तक हमारा बैलेट पेपर चुनाव होता रहा तब तक हमारा हर चुनाव में हमारा परसेंटेज बढ़ता रहा, और जब से ईवीएम आए तो हमारा परसेंटेज ये डाउन हो रहा है। और ये कुछ मनवादी लोग हमारी समाज हमारी पार्टी को खत्म करने की बात करते हैं, वो खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी दिन पर दिन बढ़ रही है और दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। लेकिन ईवीएम के खिलाफ तो दानिश अली जी ने भी संसद में बोला है ना, ईवीएम अगर बहन जी ने अगर नहीं बोला तो दानिश अली भी नहीं संसद में बोलते। दानिश अली ने भी प्राइवेट बिल भी उन्होंने ईवीएम के लिए रखा है संसद में। अब इतने लोग सांसद में बैठे हैं, लोकसभा के सांसद बैठे हैं, हमारे सांसद दानिश अली के अलावा कोई सांसद ने उनका समर्थन नहीं किया। अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जब ईवीएम का विरोध किया था तो सारे दल एक एक होकर के बहुजन समाज का ईवीएम का विरोध कर देते, आज ईवीएम बंद हो जाती। ईवीएम इसीलिए नहीं बंद, कुछ ईवीएम के समर्थन में है और कुछ ईवीएम के खिलाफ में भी है। अच्छा बहन जी उस तरीके से सड़कों पे नहीं उतर रही हैं, ट्विटर के माध्यम से तमाम चीज़ें बोल देती हैं, तो इससे भी समाज जो है वो कह रहा है कि बहन जी है कम से कम मिले तो सही, आके संपर्क तो करें, कम से कम रोडों पे तो उतरें, क्या कहेंगे इसके लिए? अब बहन जी ये सोचती है कि हमारा कार्यकर्ता लाठी खाए डंडा ना खाए, फर्जी रिपोर्ट ना लिखी जाए, उनका मुकदमा ना हो तो अपना घर परिवार चलाने मुश्किल पड़ जाएगा उनको, तो बहन जी अब नाजायज किसी को फंसाना नहीं चाहती हैं। ये दलाल चमचे लोग जो हैं ये काम ये करते हैं फंसाने का, हमारे समाज को गाड़ने का काम दलाल चमचे लोग करते हैं जी। देखिए सर्वेश कुमार जी लगातार इतने सालों से और माननीय काशीराम जी की रैली के दौरान इनके दिमाग में मिशन मूवमेंट आया और उस मिशन मूवमेंट को लेकर आज ये साइकिल लेकर पूरे देश में और तमाम लोगों से मिल रहे हैं। और लगातार मैं कहता हूं कि बीएसपी पार्टी नहीं है, बीएसपी मिशन है बहुजन समाज का, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का मिशन है ये बीएसपी। और इसी ने लगातार आपने देखा होगा इस देश में दो ही पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोर वोट है, एक BJP और दूसरी BSP, जिसका कोर वोट है उसका समर्थक जब वो बैलेट पेपर को देखता है या ईवीएम मशीन को देखता है तो सिर्फ हाथी को देखता है और हाथी को देखकर वो वोट डाल देता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कैंडिडेट जीतेगा हारेगा क्या होगा, लेकिन उसका वोट BSP को जाता है। तो ये मिशन है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JustTV India और सर्वेश जैसे तमाम लोग हैं जो लगातार इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाए हुए हैं। जो लोग कहते हैं मानवर साहब के चेला है, जैसे चंद्रशेखर रामन मानवर साहब की फोटो लगा लेता है चमचा, अगर वो मानवर साहब का चेला बनता है तो मेरे साथ में आए मेरे सामने, महाराष्ट्र जा रहा हूँ साइकिल माई का उसका दूध अगर पिया हो तो आए मेरे सामने, वो मैं महाराष्ट्र बाबा साहब पर उसमें जाऊँगा इस पर तो आए मेरे साथ में चलकर को देखे अगर बाबा मानवर साहब को चेला है तो, नहीं तो चमचा है वो। लेकिन वो तो कहते हैं हम तो गए बहन जी से मिलने, लेकिन हमसे मिलने ही नहीं दिया ना हमें काम करने दिया। वो किस दिन बहन जी से मिलने गया, किस दिन वो मानवर साहब साथ में दिखाई पड़ा मुझको, मानवर साहब में मैंने कार्य किया है, साहब के साथ में मैंने जो है आंदोलन में भाग लिया है, मुझको कहीं वो दिखाई नहीं पड़ा है। ये कांग्रेस और भाजपा के सब ये लगाए हुए चमचे हैं कि बहुजन समाज को तोड़ो, तो हमारे बहुजन समाज को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, नीला झंडा हाथी चुनाव निशान देखने की जरूरत है बस। लेकिन चंद्रशेखर तो लगातार ये उठाते रहना सवाल कि इसी अगर हमें BSP में काम करने को मिलता तो हम आज़ाद समाज पार्टी क्यों बनाते, आज़ाद समाज पार्टी क्यों बनाते? ये तो आज़ाद समाज पार्टी जब बनाई है तो गोरखपुर से चुनाव लड़ा, कितना वोट मिला? 5,000। उसको 5,000 वोट मिला, जब मैं उसके सहारनपुर में गया था साइकिल से, मैं गया वहाँ के सहारनपुर में उसके लोग गाली दे रहे ये तो चमचा साला है, ये
यही सारे चमचेर हमारा समाज को तोड़ने के लिए लोगों ने खड़ा कर दिया है, तो समाज को इससे जो है गुमराह होने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुजन समाज पे कहीं भी उत्पीड़न होता चंद्रशेखर तो वहाँ पहुँचते हैं। ये चंद्रशेखर पहुँचते नहीं, चंद्रशेखर पहुँचाया जाता हमारा समाज को तोड़ने के लिए। चंद्रशेखर पहुँचता नहीं, चंद्रशेखर पहुँचाया जाता है ये कि हमारा समाज गुमराह होने वाला नहीं है। 24 में माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। ये देश का हमारा जो बहुजन समाज जाग चुका है और पूरी तरीके से मैं सुन रहा हूँ सभी की बातें। अभी आरक्षण को लेकर भी मध्य प्रदेश में करणी सेना ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया और बोला आरक्षण खत्म करना है, तो उसी के विरोध में चंद्रशेखर गए और वहाँ पर इतनी बड़ी रैली की, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आखिर वो चाहे बहुजन जो स्वर्ण हैं जितने भी मनुवादी लोग हैं उनको जवाब तो लगातार दे रहे हैं वो। अरे ये तो जब मानवर साहब ने मंडल कमीशन की जब बात की थी तब हमको कहाँ दिखाई पड़े थे समाजवादी, कहाँ कौन दिखाई पड़ा था? जब मानवर साहब ने बीपी सिंह को समर्थन दिया था कि हमारी दो शर्तें हैं, मैं सरकार में शामिल नहीं हूँगा, मैं समर्थन मैं आपको दूंगा, हमारी शर्तें दो, तो बीपी सिंह ने पूछा कौन शर्तें आपकी है? तो मानवर साहब ने कहा पहली शर्त तो हमारी यह है कि बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और दूसरी शर्त हमारी यह है मंडल कमीशन लागू किया जाए। जब मंडल कमीशन लागू हुआ है तब OBC को 27% आरक्षण दिया गया है। आज OBC जो बट गया है, भाजपा को वोट देने लगा है, तो भाजपा वो तो लोग लगा दिया कि तुम कार उठो घंटा बजाओ, उनमें लोगों का झा दिया, OBC हमारा उलझ गया है। अब OBC हमारा जाग चुका है, जब उनका जो है अब तो OBC सुधर सुधर चिल्ला रहा है भाई। हाँ वो जब उनका ठोकर लगी आप सुधर सुधर चिल्ला रहा है, पहले तो हम ही लोगों सुधर वो कहते थे, पहले OBC तो हम ही लोगों को सुधर कहते थे कि तू साला छूत है, अब वो शूद्र खुद है। अब तो वो कह रहे ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी तुलसीदास पे बड़ा बवाल चल रहा है देश में। अरे ये तो वो चंद वो कहना स्वामी प्रसाद मौर्य और ये कांग्रेस और ये भाजपा और ये सपा, ये सब मिली भगत खेल रही है। चुनाव आ गया है, जनता को गुमराह करने का ये काम है सिर्फ उनका। नहीं वो तो कह रहे सारे शूद्र एक हो जाओ, स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो यही कह रहे सारे शूद्र एक हो जाओ तब मिलके सत्ता बनाए। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है शूद्र है तब तो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा में गया था। प्रोडक्ट तो काशीराम जी का ही है। काशीराम का यह प्रोजेक्ट नहीं है कि तुम हमारा खाओ दूसरे का बजाओ। कैडराइज तो काशीराम जी ने ही कैडर दिया था उनको। काशीराम ने कैडराइज दिया था, काशीराम ने मंत्री भी बनाया था और ज्यादा संपत्ति भी बनाई मंत्री बनने के बाद में। उसके बाद में अपने घर भरे टिकट वो मांगने लगा, पार्टी में रह करके घर भरे टिकट मांगने लगा। एक टिकट की बात नहीं है, वहां पर सबको टिकट मांगने लगा। तो बैंजी ने कहा टिकट तुम्हारे कहने से नहीं, अपने हिसाब से टिकट दो। भाजपा में चला गया, अपनी लड़की को टिकट दिला दिया, अपना टिकट पाएगा मैं लड़की को टिकट दिला दिया। अब वो लड़की आज भाजपा में है, आज लड़की भाजपा को गुड़गा रही और स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ अछूत के गुड़गाते हैं। ये क्या है, ये जनता इसको खुद देख रही क्या है? तो देखिए तमाम चीज़ें सर्वेश वर्मा जी ने मुझे बताई हैं और इस तरीके का जो लगातार BSP के जो कार्यकर्ता हैं, आज BSP अगर कहीं टिकी हुई है और खड़ी है इस देश में तो वो सिर्फ BSP के जो कार्यकर्ता हैं और BSP के निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं। वो 500 और 1000 रुपये लेकर रैलियों में आने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं। आपने देखा होगा बहन जी की तमाम रैलियों को, जब बहन जी दहाड़ती हैं तो लाखों में भीड़ होती है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।